हाय, अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? आप लोग ठीक होंगे? ठीक हैं। और आज का हम व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि माय नेम इज़ कल्जुम अर्शद और मैं आज आपको फेस वाइटनिंग का नुस्खा बताने लगी हूँ। और हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और ये मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनाते हैं। और उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक चम्मच बेकिंग सोडे की एक चम्मच मैंने इसमें डाली है। और एक चम्मच खुश्क दूध जो होता है, मैं चाहे आप नीडो का ले लें या कौन सा भी ब्रांड का आपको मिल जाए आप ले लें उसको। और एक चम्मच इसकी डालनी है, एक चम्मच खुश्क दूध। और इसके बाद हम इसमें एक चम्मच हम इसमें एलोवेरा जेल डालेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच एलोवेरा जेल डालेंगे। ये देखें, हमारे पास एक चम्मच एलोवेरा जेल है। और अब हम इसमें वो भी शामिल कर देंगे, एलोवेरा जेल में हमने एक चम्मच शामिल कर दी। फिर अब इसके अंदर अगर आपके पास फेस पॉलिशिंग नहीं है तो फिर आप हनी भी इसमें यूज़ कर सकते हो। और अब हम एक चम्मच इसमें हनी शामिल करेंगे और फिर हम इसको मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें एक चम्मच हनी शामिल कर देंगे, शायद ये देखें। अब हम इसमें एक चम्मच हनी शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर हम आपको लगा के बताते हैं। और यहाँ पे देखिए जी, ये अब हमने मिक्स कर लिया है और ये मिक्स ही एक क्रीम की शक्ल में आ गई है। और जब ये देखें, इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स भी कर लिया है। अब इसको आप अगर फेस पे लगाएंगे तो क्या नाम है, या लगाएंगी इसको लड़के भी लगा सकते हैं और लड़कियाँ भी लगा सकती हैं। और क्या नाम है, ये फेस को वाइट भी करती है और फेस में एक्नी हो या डार्क सर्कल हो या जो भी हो, फेस में गंदी स्किन हो या बीच में गंदगी सी भी हो, पर उसको ये साफ रखती है और चेहरा इतना प्यारा से ही वाइट करती है। और आप भी इसको इस्तेमाल करें और चेहरे पे आप 1, 2 या 3 घंटे लगा के छोड़ दें तो फिर उसके बाद अपना फेस आप वॉश करेंगे, फिर आपको इसका रिज़ल्ट पता लग जाएगा। और ये देखिए, और क्या नाम है, अगर आप चाहे तो आप रात को भी लगा के इसको बना के और रात को भी लगा के सो जाएं तो सुबह जब उठेंगे अपना फेस आप वॉश करेंगे या करेंगी तो फिर आपको इसका रिज़ल्ट अपने चेहरे का फर्क इतना महसूस होगा। और अभी इससे मैं आपको अपने हाथ पे लगा के दिखाती हूँ। एक हाथ मेरा ऐसा है और एक हाथ है, और इसको 15-20 मिनट के लिए इसको मैं लगाऊंगी सिर्फ, क्योंकि अभी मेरे टाइम बहुत कम है। और ये वैसे अगर आप अपने पाँव पे भी लगा सकते हैं, हाथों पे भी लगा सकते हैं,
और फेस पे भी लगा सकते हैं। और फेस पे जितने मैंने आपको मिनट्स बताए हैं, इतने मिनट, एक दो या तीन घंटे के लिए फेस पे लगा के आप छोड़ दें। उसके बाद अपना आपने फेस वॉश करना है। और उसके बाद अगर आप हाथों पांव पे भी लगाएं तो फिर भी ये आपके हाथ पांव भी वाइट करेगा। आपके जहाँ जहाँ पे जो भी ब्लैक थी जिसम पे, जो भी आपकी ब्लैक जगह बनी हुई है वो उनको वाइट कर देगा। और ये बहुत अच्छी है, और आप भी बना के यूज़ कीजिएगा। और अभी हम आपको अपने हैंड पे लगा के बताते हैं, फिर हम आपको इसका रिजल्ट बताते हैं। और ये देखें, अब हम इसको अपने हाथ पे लगाएंगे, और अभी हम आपको अपने हाथ पे लगा के दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए कि मैंने अपने हाथों पे इसको लगा लिया है। देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, एक हाथ पे मैंने लगाया। अब मैं इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, और फिर उसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। मैंने एक हाथ पे लगाया है, और मेरा जो दूसरा हाथ है उस पर मैंने नहीं लगाया। और मैं आपको दोनों हाथों पे फर्क महसूस करके बताऊंगी, क्योंकि इस हाथ और कोहरे से मैंने हाफ बाजू तक मैंने लगाया, हाफ से भी नीचे आया भी। और मैं आपको 20 मिनट के बाद इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि इसका रिज़ल्ट क्या है, और आपको खुद पता लग जाएगा। और यहाँ पे देखिए जी, 20 मिनट्स हो गए हैं, और अब हम अपने हाथ को वॉश करने लगे हैं, और वॉश करके आपको हम दिखाते हैं। और ये देखें, जिस हाथ पे मैंने ये लगाया था, और इन दोनों हाथों पे देखें, और दूसरे हाथ पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया। और ये देखें, ये आपको फ़र्क महसूस हो रहा है, और देखें, और ये देख लें, ये मेरे हाथ हैं, और देखें इसका रिज़ल्ट ये है। और आज की वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, और कमेंट्स कर दे। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।